वहीं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस और यूपी में सपा की कई बार सरकार रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन दोनों दलों को कभी भी जातीय जनगणना की याद नहीं आई। जातीय जनगणना को लेकर दोनों दलों का नया नया प्रेम है। की बात नई नहीं है, कास्ट सेंसस की बात हमने हमेशा की है। देश में अगली सेंसस एक्सरसाइज बहुत जल्द होने जा रही है और हमारी पार्टी हमेशा से कास्ट सेंसस की वकालत करती आई है। मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी जो सेंसस एक्सरसाइज होनी है, जाति जनगणना इस बार कराई जाए, और हम अपना पक्ष हमारे एनडीए की लीडरशिप को भी बता चुके हैं। यह हमारी पार्टी का इस पर स्पष्ट रुख है। मैंने कास्ट सेंसस के लिए हमेशा आवाज उठाई है। आप पुराने कई रिकॉर्ड्स निकाल के चेक कर सकते हैं। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुकी हूँ, हमारे विपक्ष के साथियों के लिए नया मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जब वो सरकार में रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तब उन्हें कास्ट सेंसस की याद नहीं आई। समाजवादी पार्टी को राज्य में कास्ट सेंसस करा लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया। बिहार में कराया क्योंकि सरकार चाहती, समाजवादी पार्टी चाहती तो उत्तर प्रदेश में करा सकती थी।